जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल में प्लस। मैं मानव सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले एसएससी जीडी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी का आंसर कमेंट करिएगा। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें दोस्तों। तो अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों, आगरा का किला बनवाया था अकबर ने। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्षियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, यानी पक्षी विज्ञान। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा क्या है? रेल नेटवर्क है। नेक्स्ट है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों, ये युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है। ये युवराज सिंह क्या है दोस्तों? एक क्रिकेटर है, भारतीय ऑलराउंडर है। नेक्स्ट, अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, ये संबंधित है स्वीडन से। नेक्स्ट है आपका, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 19 अप्रैल 1917 को क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, नागालैंड में से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके एग्जाम ऑफ यू और पूछा भी गया है, पूछा भी जाएगा। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने, डू एंड डाई। हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मुहर का प्रयोग किया जाता था? दोस्तों, ये गेंडा सील नाम की एक मुहर थी, इसका यूज किया जाता था। नेक्स्ट है आपका, अरब सागर के समांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? तो दोस्तों, अरब सागर के जो समांतर कौन सा रेलवे जोन है? तो दोस्तों, कोंकण रेलवे, ये अरब सागर के समांतर स्थित जोन है। नेक्स्ट है, मनरेगा ठीक है कब शुरू किया गया दोस्तों? तो 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो ये थे अंबिका चरण मजूमदार। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम ऑफ यू। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2017 में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा था? तो दोस्तों, 2017 में दूसरा सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा था? रूस था। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? दोस्तों, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये दोस्तों, लिंग असंतुलन और बालिका के प्रति भेदभाव को दूर करना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम ऑफ यू दोस्तों, पूछा भी जाएगा योजनाओं से रिलेटेड। अगर आपने हमारा टॉपिक नहीं देखा है तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग उसको देखिए जाके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? तो ये दोस्तों, हमिंग बर्ड ऐसा पक्षी है दोस्तों जो पीछे की ओर मुड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में क्या विशब्द है? तो दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में जो विषम शब्द है दोस्तों, वो क्या? मॉनिटर। नेक्स्ट, 1998 में परमाणु बम परीक्षण कहाँ किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था पोखरण, राजस्थान में, पोखरण के राजस्थान में ही हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है दोस्तों? तो ये पायथन एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। नेक्स्ट है, किना किसकी आधिकारिक मुद्रा है दोस्तों? तो पापुआ न्यू गिनी की ये मुद्रा है। नेक्स्ट है, भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो ये कृषि, भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण है कृषि। निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र को बुलाता है दोस्तों? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो संसद के संयुक्त सत्र को बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था? तो दोस्तों, गजनी के मोहम्मद का सुल्तान महमूद गजनवी के शासन में, ठीक है, अलबरूनी महमूद गजनवी के शासन में आया था। पश्चिमी घाट से एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, जिसका भी कंफर्म क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है? कौन सा जो शहर है दोस्तों, स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिए कि कौन सा शहर स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है। तो आप लोग इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? भूगोल के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये एरिस्टोनेज को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान नहीं है? तो दोस्तों, डीआरडीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान नहीं है, ये दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए A1 स्टडी क्लासेज। चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे जो आने वाले अपडेट्स हैं आपको मिलते रहें। दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।